नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी टीवी जनता की आवाज से। अभी हम समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के अंतर्गत सिल्दीपुर गांव में हूँ, जहां अभी कवि सम्मेलन, साहित्य कवि सम्मेलन चल रहा है। अभी हम द्वारिका राय जी सुबोध के पास हूँ, जो उनके दरवाजे पर अभी कार्यक्रम चल रहा है। हम देखते हैं यहाँ के कार्यक्रम के बारे में और जानते हैं ये कैसा कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि बताया गया है कि यहाँ कवि सम्मेलन यहाँ चल रहा है। यहाँ दूर दूर के साहित्यकार भी आए हुए हैं और अपनी वाणी से संबोधन कर रहे हैं अपने दरवाजे पर, और ये देख रहे हैं यही द्वारिका राय जी का ये दरवाजे पर साहित्य सम्मेलन चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ हम दिखा रहे हैं। आइए, राज देश खड़े इस जीवन में इससे नहीं बोलती हम। सबसे पहले 25 दिन पहले आसाम में काफी बारिश हुआ, केरल में भी हुआ, लगा कि अब तो पश्चिम तरफ बढ़ना है तो बंगाल बिहार को जिस तरह वो डूब रहा था हम लोग भी डूबे। क्या न क्या हुआ कि इंद्र भगवान की जो गाड़ी चली वहां से स्टॉपेज बिहार ने दिया ही नहीं। कटिहार किशनगंज स्टॉपेज बिहार में स्टॉपेज नहीं दिया गया और सीधे चला गया महाराष्ट्र में, और वहां इतना डुबाया कि हमारे जो हीरो और हीरोइन थी वो उब डूब हो चला गया गुजरात। कवि एवं साहित्यकारगण बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए साहित्यकार कविगण और मीडिया बंधु, आप सभी लोगों को मेरे हृदय की गहराई तक से नमन, वंदन एवं अभिनंदन। मैं बहुत दिनों से इस तरह का कार्यक्रम मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा मैं देखता रहता था कि पटोरी अनुमंडल में विभिन्न विभिन्न जगहों पर ये सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। मैं हरिभाव को तो बहुत दिनों से मैं बहुत एक्टिव देखते आ रहा हूँ, बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत कविताएँ किताब भी लिखे हुए हैं और इनकी पुस्तकों का संकलन मेरे महाविद्यालय की लाइब्रेरी में भी। और साथ ही साथ मैं हरिभाव से और वशिष्ठ बाबू से, मृदुल जी से और अश्विनी बाबू जी सबसे मैं काफ़ी मोटिवेट होते रहता था। मैं सोचता था कभी समय निकले और इस तरह के कार्यक्रम में आऊँ, संजोग से मुझे मौका मिला, उसके लिए इस आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जैसे ही जाना कि मुझे जाना है तो मैं कल एक कविता साथ में रचना अपने रचित किया शिक्षा पर, तो इसमें है, मैं सुनाना चाहूँगा। शिक्षा है एक ऐसी प्रवीर, शिक्षा है एक ऐसी प्रवीर, बदल देती है तकदीर। बिना शिक्षा होते न भाव स्नेह, ऐसे मानव करते हैं संदेह। इसे जो ग्रहण किया होते हैं गंभीर, बनते हैं वे धीर और माहिर। इनका कोई कीमत नहीं है अनमोल, समाज में बनाते हैं सबसे आगे। शिक्षा हमें देती है संस्कार, शिक्षितों करते नहीं किसी का तिरस्कार। इसे पाकर ही बनते हैं ज्ञानी और शिक्षक, बनते हैं सभ्यता और संस्कृति के रक्षक। शिक्षा में इतना दम कि दिलाती है अधिकारों का ज्ञान, इनका मुकाबला कर नहीं सकता कोई अज्ञान। इसे पाना कठिन है, न है इतना आसान, यह आती है उन्हें जो करते सरस्वती का गुणगान। इसी कड़ी में नेक्स्ट जो आज मैं सुबह में लिखा, पेड़ नहीं होंगे जब धरा पर, सारी सौंदर्यता खलेगी धरा पर। इनमें है क्षमता अद्भुत, इनकी सुरक्षा करना है निश्चित। इन्हें बचाने लगे हैं पर्यावरणविद और सरकार, फिर भी लोग इनके विकास पर
मैं तो पर्यावरण सजाता हूँ, सजाता ही रहूँगा, हित प्रकृति के वातावरण गाता ही रहूँगा। अंतिम है, धरती हमारी माता है, धरती हमारी माता है, पेड़ प्राकृतिक इष्ट है, धरती हमारी माता है, पेड़ प्राकृतिक इष्ट, जहाँ पर्यावरण जीवन है वहीं प्रदूषण बना है दुष्ट, जहाँ पर्यावरण जीवन है वहीं प्रदूषण बना है दुष्ट, करता हूँ अपना खर्च इसमें, करता हूँ अपना खर्च इसमें, नहीं है मेरा कोई आर्थिक मददगार, करता हूँ खर्च अपना इसमें, नहीं है कोई मेरा आर्थिक मददगार, फिर भी मैं पर्यावरण सजाता हूँ, सजाता ही रहूँगा, गीत प्रकृति के गाता हूँ। बच्चों की छुट्टियों को यूं तुम व्यर्थ बनाओ ना, कुछ खेल खेलने दो हमको, हमारा भी दिन बनाओ ना, गर्मी कम करके अपनी ठंडी हवा को बुलाओ ना, सूरज चाचा कितनी गर्मी है, तुम थोड़ा सा थम जाओ ना। बहुत अच्छा, तन मन सारे भेज चलेंगे आज कजरिया गाने, तन मन सारे भेज चलेंगे आज कजरिया गाने दो, मन मयूर का नृत्य देखकर, मन मयूर का नृत्य देखकर झूमी नर की राजकुमारी, मन मयूर का नृत्य देखकर झूमी नर की राजकुमारी आज